सो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग ऑफ पेज टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाएंगे, ब्रेकअप करेंगे ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑफ पेज का, लिंक बिल्डिंग का, बट हमने टेक्निक्स को थोड़ा डीपली नहीं लिया था। लेकिन इस बार हम लोग टेक्निक्स को थोड़ा डीपली लेंगे, हर एक पार्ट को, कि कैसे कैसे टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं ऑफ पेज के लिए, ताकि हमें अच्छा क्वालिटी बैकलिंक्स मिले और हमारे साइट्स पे विजिटर आए और इसकी पेज रैंक धीरे धीरे इंप्रूव करे। ओके, तो हम लोग 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करते थे, हम लोग कंटिन्यू करते क्लास को, ठीक है। यस, प्लीज वेट फॉर 2-3 मिनट एंड देन वी विल कंटिन्यू द क्लास। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ ऑफ पेज टेक्निक्स के बारे में बताया था, जिसमें कि डायरेक्टरी सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग एंड ऑल, इन सभी के लिस्ट मैंने दिए थे कि कैसे हम लोग सबमिशन करते हैं, ठीक है। ठीके? और ये सारे टेक्निक्स थे, लेकिन अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि कैसे ये क्या होता है डायरेक्टरी सबमिशन, और इसमें हमें सबमिशन कैसे करने हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, वेब डायरेक्टरी सबमिशन जो होता है, एक डायरेक्टरी होता है जो कि इज अ काइंड ऑफ वेबसाइट आप बोल सकते हो, विच हैव सम कैटेगरीज, सब कैटेगरीज एंड सब सब कैटेगरीज, ओके। एंड इट प्रोवाइड द सर्विसेज टू इट्स यूजर टू सबमिट देयर वेबसाइट और ब्लॉग यूआरएल टू द बेस्ट सुटेबल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट और बिजनेसेस, ओके। एंड इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर बिल्डिंग क्वालिटी बैकलिंक्स। तो देखिए मित्र, हम लोग डायरेक्टरी सबमिशन इसलिए करते हैं ताकि हमें क्वालिटी बैकलिंक मिले, और इसके साथ साथ हम उन डायरेक्टरी सबमिशन में सबमिट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिंक को, जहां हमारी नेचर ऑफ बिजनेस जो हमारी है उससे रिलेटेड मिले। मतलब आप उन्हीं वेबसाइट पे अपना लिंक को सबमिट करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल है। मतलब कि जैसे मान लीजिए मेरा फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ई कॉमर्स साइट्स पे मैं जाके अपनी वेबसाइट की डायरेक्टरी को सबमिट करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी जो नेचर ऑफ बिजनेस होगी, आपको भी उसी डायरेक्टरी में या उसी के सब सब कैटेगरी के अंदर आपको सबमिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मैं भी क्या करूंगा, जो डायरेक्टरी सबमिट करूंगा वो डिजिटल मार्केटिंग के ही जाके डायरेक्टरी सबमिट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, डायरेक्टरी सबमिशन कीजिए, यहाँ पे उसमें कैटेगरी होता है कि आप कैटेगरी डिफाइन करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में करना है, जिसमें आपको एक कैटेगरी मिलेगा, उस कैटेगरी के अंदर आपको सब कैटेगरीज भी मिल सकते हैं, और उस सब कैटेगरीज के अंदर भी सब सब कैटेगरीज मिल सकते हैं। तो वो आपको क्लियरली वहां डिफाइन करना होगा एंड आप उसके अंदर डायरेक्टरी को सबमिट करेंगे, आप अपनी वेबसाइट का लिंक। इससे क्या होगा, जब आप सबमिट करेंगे, जब वो अप्रूव हो जाएगी 2-4-3 महीने के बाद, तो इससे आपको क्वालिटी बैकलिंक मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और जो ट्रैफिक जो वहां पे यूजर सर्चेस करेंगे, तो वहां से आपको अच्छा बैकलिंक मिलेगा जहां से आपको ट्रैफिक आएगी। लेकिन हमें जो डायरेक्टरी सबमिशन करना होगा वो उन्हीं वेबसाइट्स पे करना होगा जिनकी पेज रैंक हमारी वेबसाइट से अधिक हो, ठीक है। वैसे जब आप बिगनिंग में करने जाएंगे तो आपकी तो वेबसाइट की या पेज रैंक अच्छी होगी नहीं, क्योंकि आपने स्टार्ट किया जस्ट, तो इनको उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग सबमिट करते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट ये 1, 2, 3 से भी, तो मिनिमम ऐसी सब ऐसी डायरेक्टरी को आप चूज कीजिए जिनका पेज रैंक स्टार्टिंग मिनिमम 3 से हो, ठीक है, मिनिमम 3 एटलीस्ट हो, और मैक्सिमम 9-10 तक हो तो काफी अच्छा है, लेकिन आप 3 से स्टार्ट कीजिए मिनिमम, जिस वेबसाइट की पेज रैंक 3 है। तो जब आप सबमिट करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 तरह का टाइप मिलेगा वेब डायरेक्टरी में, जिसमें कि आप एक पेड सबमिशन करते हैं और दूसरा फीचर लिस्टिंग करते हैं। ये पेड और फीचर लिस्टिंग वो होता है, जैसे कि आप कोई चीज प्रीमियम लेते हैं, तो वो आपका क्या करता है, प्रमोट जिससे आप करते हैं, तो वो आपका एडवर्टीजमेंट्स को हाईलाइट करता है आगे में, मतलब फीचर करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरी ब्लॉग साइट है जो आकाश डिजिटल मार्केटर डॉट कॉम वाला, इसमें आप देखते होंगे कि एक फीचर इमेज आता है, इसको हम लोग फीचर इमेज इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एकदम अचानक से सामने में ही आता है वेबसाइट ओपन होने के बाद में, ठीक है। और ये एक तरह से लोगों का अटेंशन खींचता है अपनी तरफ, तो इसको हम लोग इस टाइप के इमेज को फीचर इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज होता है, फीचर लिस्टिंग, दैट मीन्स कि जो भी आप अपने लिंक्स को सबमिट करेंगे वहां पे आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी अधिक होगी, अगर आप फीचर लिस्टिंग में आते हो तो, या पेड लिस्टिंग में आते हो तो। दैट मीन्स कि इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा वहां पे सबमिशन के लिए। इसके साथ साथ और भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कि फ्री लिस्टिंग और रेगुलर लिस्टिंग भी करते हैं। दैट मीन्स कि हम फ्री में सबमिट करते हैं लेकिन हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन इसको अप्रूव होने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, 3 से 4-5 महीना भी लग जाता है, लेकिन जब आप फीचर और पेड लिस्टिंग पे आएंगे तो ये क्विकली अप्रूव भी हो जाता है, ठीक है, और आपकी लाइव हो जाती है उसके साइट पे। इसके साथ साथ एक थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, दैट इज रेगुलर लिंक विथ रेसिप्रोकल लिंक।
दैट मींस कि ये रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल लिंक्स मींस ये हो गया, जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक जब आप दूसरे की साइट पे सब पब्लिश करेंगे तो वहां पे ना आपसे ये पैसे लेगा ना कुछ लेगा, लेकिन हाँ रिटर्न में ये बोलेगा उस केस में कि आप हम आपको आप, मैं अपनी साइट का लिंक आपके साइट पे पब्लिश कर रहा हूँ, आप मेरी अपनी साइट का लिंक आप मेरी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हो, लेकिन इस केस में आपको भी आपकी वेबसाइट का पेज रैंक अच्छा होना चाहिए, देन तभी आप ये रेसिप्रोकल कर सकते हैं। बिकॉज जब आपकी वेबसाइट का पेज रैंक ही डाउन है देन फिर वो कैसे आप पे वो सबमिट करना चाहेगा कोई, तो ये भी पॉइंट होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जब आप इस तरह से भी करेंगे तो इस तरह से भी आपकी बॉन्डिंग चलेगी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ और आपको काफी अच्छे क्वालिटी बैकलिंक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए अगर बात चले डायरेक्टरी सबमिशन कैसे करते हैं, तो अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे ना कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी सबमिशन, तो आपको 40 तरह 50 तरह का लिस्ट मिल जाएगा आपको डायरेक्टरी सबमिशन का, लेकिन मैंने एक लिस्ट भी आप लोगों को दिया होगा। लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, तो आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट 24 जुलाई का पोस्ट है 2017 का, और यहाँ पे लेटेस्ट देखिए ये 11 अगस्त 2017 का है, जहाँ पे हाई डायरेक्टरी सबमिशन के लिस्ट है, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। जो भी लिस्ट आपको मिलेगा आप यहाँ से ले लीजिए, मैं ये साइट को ज्यादा रेफर करूंगा बिकॉज यहाँ पे काफी सारे लिंक्स लगा मतलब मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनकी पेज रैंक के साथ यहाँ पे दिया हुआ है 66576, इस तरह से लिस्ट पूरा बना हुआ है, काफी डिटेल लिस्ट है, मैं इस वेबसाइट के लिंक आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, एक लिस्ट को आपको यहाँ पे ओपन करना है, और मैंने भी आपको एक वर्ड की फाइल में पहले से लिस्ट दिया था, लिस्ट ऑफ फ्री डायरेक्टरी सबमिशंस की एंड हाई पेज रैंक वाली मैंने दिया था, हाई पीआर साइट, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली मिक्सअप हो गया, मैंने अरेंज ये नहीं किया कि ये कौन सा सोशल बुक मार्किंग है और कौन सा डायरेक्टरी सबमिशन का लिस्ट है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बिकॉज पेज रैंक अरेंज करने में। तो सारी अच्छी साइट से आप वहां पे जाके जैसे क्लिक करेंगे एंड सबमिशन करेंगे, तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मान लीजिए अगर हम लोग किसी एक को ओपन कर लेते हैं, तो देखिए एक ओपन हो गया हमारे पास bestseodirectory.net। ठीक है, यहाँ पे आप सीधा जाएंगे और देखिएगा सबमिट लिंक का एक ऑप्शन आएगा, हर एक वेबसाइट पे आपको एक सबमिट लिंक का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, जो भी डायरेक्टरी सबमिशंस की साइट होगी। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरीज भी डिफाइन किया गया है, बिजनेस एंड इकोनॉमी, हेल्थ, शॉपिंग, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, ब्लॉग, एजुकेशन, रेफरेंस, न्यूज एंड मीडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, एंटरटेनमेंट, सोसाइटी एंड ऑल, तो देर आर डिफरेंट एंड लॉट्स ऑफ लिस्ट अवेलेबल एंड कैटेगरीज एंड सब देर सब कैटेगरीज अवेलेबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हैं चूज करने के साथ साथ, और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि आपकी सब कैटेगरीज या सब सब कैटेगरीज नहीं मिल रही है, मैच नहीं कर रही है, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, जो मिलता जुलता होगा थोड़ा बहुत भी उसमें भी आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट लिंक के लिए आप सीधा यहाँ पे सबमिट लिंक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सिर्फ सबमिट लिंक के साथ साथ आप सबमिट आर्टिकल भी कर सकते हैं, अगर आप आर्टिकल सबमिशन करना चाहें तो यहाँ पे आप आर्टिकल सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल सबमिशन की भी साइट्स मिल जाएगी आपको कुछ कुछ। इसके बाद देखिए आपका सेकेंड स्टेप क्या है, यहाँ पे आप पहले लिस्ट चूज कीजिए कि आपकी क्या लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ब्लॉग्स ले लेता हूँ यहाँ पे एंड गेट गो टू स्टेप टू में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद ये पूछेगा फीचर लिंक चाहिए आपको, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये फीचर लिस्टिंग जो होता है वो पेड लिस्टिंग होता है, बेसिकली पेड और फीचर लिस्टिंग है ना, तो इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, और ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अप्रूवल टाइम, ये कितनी जल्दी अप्रूव करेंगे जब आप इसके थ्रू करेंगे सबमिट, तो ये लिंक को, तो ये 12 आवर्स टू 24 आवर्स, मतलब कि 1 घंटे मतलब 1 दिन के अंदर अंदर आपका ये लिंक को अप्रूव कर देंगे एंड प्लेस द टॉप ऑफ द लिंक्स, और सबसे टॉप में आपका आ जाएगा, डैट मीन्स की आपका एड चलेगा एंड अवेलेबल 20% डिस्काउंट एट 20-25 लिंक्स पर मंथ, मतलब कि आप 25 लिंक्स यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं पर मंथ। ठीक है, और यहाँ फीचर लिस्टिंग में एक चीज का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, कि कभी भी आप जब एसईओ करें, तो जब आप लिंक सबमिशन के लिए आए, लिंक बिल्डिंग के लिए आए, तो आपको कभी भी लिंक बिल्डिंग बहुत ज्यादा हद से नहीं करना है, कोई भी चीज यहाँ एसईओ में हद से ज्यादा नहीं होगी, जितनी जरूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, बस उतनी कीजिए, मतलब एक्सेस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एसईओ में, अगर आप एक्सेस करेंगे ज्यादा से ज्यादा लिंक सबमिट बहुत ज्यादा कर देंगे, तो वो आपके लिए फिर
पेनालिटी का काम करेगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी साइट के लिए, आपकी साइट की रैंकिंग भी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए सफिशियंट ही लिंक आप सबमिट कीजिए, सफिशियंट से ज्यादा नहीं कीजिए। बहुत लोग को मैंने देखा रेगुलर सबमिट करते रहते लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, एकदम जबरदस्ती का, लेकिन वैसा नहीं करना है। आपको एक सफिशियंट अमाउंट तक ही लिंक को सबमिट करना है, और आप अपना एनालिटिक्स के थ्रू ट्रैफिक को वॉच करते रहिए, आपको मिलते जाएगा डिटेल कैसा हो रहा है, रिपोर्ट आ रहा है। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे देखिए ये दोनों फीचर सेम है, जिसमें कि 5 लिंक वाला भी और 11 लिंक वाला, 25 लिंक वाला भी आप देख सकते हैं किसको आप करना चाहें। 10% 25% डिस्काउंट भी मिल रहा है। एंड यहाँ पे देखिए रेगुलर डीप लिंक है, जो कि रेगुलर होता है, जैसा कि मैंने बताया था। ये भी देखिए चार्जेबल है रेगुलर लिंक, ये 2 से 3 दिन लेता है अप्रूवल टाइम, और जो नॉर्मल लिंक होते हैं जो कि फ्री होते हैं, वो अप्रूवल टाइम विद इन 3 to 4 months, यहाँ पे लिख भी दे रहा है ये 3 to 4 months होते हैं। तो अगर आप फ्री में करना चाहते हैं, फ्री सबमिशन जिस साइट पे फ्री अवेलेबल है आप फ्री में कर दीजिए, जिस पे अवेलेबल नहीं है फ्री में उस पे आप फ्री पे मत कीजिए। अगर आप पेड में जाना चाहते हो तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, क्योंकि पेड में आप कितना करेंगे, कितना अमाउंट को पे करेंगे हर साइट पे, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए हम 3 महीना को वेट करना पड़ेगा। आप फ्री लिंक नॉर्मल रेगुलर लिंक पे सबमिट करके गो टू स्टेप 3 पे जाइए, एंड उसके बाद जो आपकी वेबसाइट का टाइटल और यूआरएल होता है ना, वो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात अब ये है कि सबसे पहले तो आपके जो वेबसाइट का यूआरएल होगा आप यहाँ पे पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे केस के लिए मेरा जो यूआरएल है यहाँ पे वेबसाइट का, मैं यहाँ पे से पुट कर रहा हूँ। मिथुल अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको? प्लीज लेट मी नो। ओके फाइन, तो यहाँ पे आप यूआरएल को सबमिट करना जैसा कि मैंने किया। इसके बाद टाइटल पूछ रहा है, तो आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है ये आप मत दीजिएगा, मतलब आपको कुछ डिफरेंट देना है। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि आपके जो साइट के डिस्क्रिप्शन है, साइट की जो टाइटल है, साइट की जो डिटेल है, किस पर्पस की आपकी साइट है, वो चीजों का आप कॉपी बना लीजिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अपने एक्सेल सीट या वर्ड वर्ड फाइल में बना लीजिए। एक डिटेल शॉर्ट में इतने कैरेक्टर्स का, 60 कैरेक्टर to 70 कैरेक्टर्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन भी मांग रहा है। ठीक है, तो ये आपको एक डिस्क्रिप्शन भी देनी होगी, कैरेक्टर लिमिट भी होता है इसका। ठीक है, तो अपनी साइट का डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट जब आप सबमिशन में जाएंगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आपको डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सेम सेम आप सब जगह डाल दीजिए, उसको मिला जुला के मारते रहिए सब जगह, एक जैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। और एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपकी वेबसाइट की हेडलाइन और टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, वो चीज कभी भी मत मारिएगा, बिकॉज सेम सेम पब्लिश होना भी थोड़ा इफेक्ट करता है आपके ट्रैफिक को। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डालिए, या फिर आप पहले से एक वर्ड फाइल में तैयार कर लीजिए एंड यहाँ पे आप सबमिट करिए। मतलब एक कैरेक्टर का बना लीजिए कि आपकी साइट की डिस्क्रिप्शन क्या है, जो योस्ट के प्लगइन में आप लिखते हैं ना वहाँ पे साइट के डिस्क्रिप्शन, या फिर आप सेटिंग्स में जाके वर्डप्रेस में, तो वहां पे भी जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं सेम चीज आप उसकी 4-5 बना लीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे पेस्ट करते रहिए उस जितना भी कैरेक्टर लिमिट्स हो आप कर लीजिए। यहाँ पे टाइटल डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन जो होगा आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, ओनर का नेम, जैसे आपका जो नेम होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो नेम है मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपका ईमेल एड्रेस होगा ये थोड़ा अलग ईमेल एड्रेस रखिएगा, आप अपना वेबसाइट का ईमेल एड्रेस मत दीजिएगा, या फिर जो आपका पर्सनल, या फिर एक अलग इसके लिए नया ईमेल आईडी ही क्रिएट कर लीजिएगा, ताकि अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है और यहाँ की जो साइट की जो ओनर होंगे वो जब आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट आपके इस मेल पे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, या फिर आपको ये रेफर कर देंगे कि आपकी जो लिंक है वो पब्लिश हुई या नहीं हुई, अप्रूव हुई या नहीं हुई इसके थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए आप एक पर्टिकुलर एक सेपरेट ईमेल आईडी बना लीजिए एसईओ पर्पस के यूज करने के लिए। जब आप सबमिशन करेंगे तो आपको हर जगह ईमेल आईडी, साइट का डिस्क्रिप्शन, टाइटल और यूआरएल को पुट करना पड़ेगा। तो एक वर्ड फॉर्मेट में वो सारा चीज वर्ड फाइल में आप तैयार करके पहले से रख लीजिए, और सिर्फ आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते रहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है इसीलिए, क्योंकि बार बार आपको कॉपी पेस्ट चीजों को करना होगा और इस तरह से पोस्ट करते रहना होगा डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे, जिसकी पेज रैंक अच्छी होगी। मेटा कीवर्ड्स आप लगाएंगे, जिस कीवर्ड्स के थ्रू आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग दिखे, उस टाइप के आप कीवर्ड्स को यूज करेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन जो मैंने बताया आपको वो भी डालेंगे, जो कि आप गूगल पे जब आप कुछ सर्च करते हैं तो वहां पे मेटा डिस्क्रिप्शन जो दिखता है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं यहाँ पे
बाय सूज मैंने टाइप किया, तो आप देखिएगा हर एक वेबसाइट के नीचे कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, इसको हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन भी आपको बना के पहले से यहाँ पर रखने होंगे, और इसके लिमिट आप देख सकते हैं 250 के लिमिट है, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे जब आप पब्लिश करेंगे, तो चेंज कर करके आप इसे कॉपी पेस्ट करके दे दीजिएगा। अगर आप रेसिप्रोकल लिंक चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल लिंक्स भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बेसिकली यहाँ पे कोडिंग भी दिया गया है, आप इस तरह से करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आपका साइट का नेम है आप अपना यहाँ पे साइट का नेम दे सकते हैं, या फिर इस रेसिप्रोकल लिंक को आई मीन सॉरी ये जो रेसिप्रोकल लिंक है इसको आपको अपने वेबसाइट के हेडर और फुटर के टैग में, हेडर टैग में लगाना होगा जो बॉडी के नीचे में जाके, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि टैग को कैसे लगाते हैं, हेडर टैग को, ठीक है। और यहाँ पे बोल भी रहा है कि टू वैलिडेट द रेसिप्रोकल लिंक प्लीज इंक्लूड द फॉलोइंग एचटीएमएल कोड इन द पेज एट द यूआरएल स्पेसिफाइड अबव एंड बिफोर सबमिटिंग दिस फॉर्म, ठीक है। आपको इसको अपनी वेबसाइट पर लगाना होगा बिफोर सबमिट सबमिट करने से पहले, एंड आपका जो लिंक होगा आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो भी पेज का आप लिंक को सबमिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस डिजिटल मार्केटिंग के पेज को सबमिट करना चाहता हूँ, तो मैं इसका लिंक लूंगा और सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एड्रेस अपना सिटी स्टेट पोस्टल कोड जो भी आपका ऑफिस एड्रेस वगैरह होगा आप यहाँ पर डाल दीजिए, अगर कोई इन्फोग्राफ्स है तो वो भी डाल सकते हैं, बट फाइल्स ऑफ अदर टाइप्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। आप देख लीजिए जो फाइल्स ये लोग बोल रही है फॉर्मेट में लेगी वही फाइल्स को आपको चूज करना है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सारा डालना ही है, लेकिन अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, बिकॉज इससे एंगेजमेंट बढ़ेगी और आपको यहाँ पे मिलेगा काफी अच्छा। तो एक चीज, ये सब चीज आप पहले से तैयार रखिएगा, इमेज का जो ग्रुप नेम होगा, इमेज ग्रुप कोई फाइल अपलोड है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको लीव मार के आप सीधा यहाँ पे कोड डाल के एंड सबमिशन पे देखिए, सबमिशन रूल्स पढ़ सकते हैं, क्या इनकी रूल्स है, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, एंड एग्री करके आप सिंपली कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद आपको एक मैसेज देगा वो ये एक्सेप्ट किया या नहीं किया, और एक्सेप्ट होने के बाद जब अप्रूव करेगा तो आपको वो चीज आपके मेल आईडी पे कंफर्म कर देगा। तो इस तरह से हम लोग लिंक्स को सबमिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरी सबमिशंस के साइड में, ठीक है। और इसके बाद में भी आपको एक नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कैटेगरी चूज करने का, कि किस कैटेगरी में आप डालना चाहते हैं, तो डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ब्लॉग का कैटेगरी चुना है, ठीक है। तो इस तरह से आप चूज करके यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं लिंक को। इज दिस क्लियर मिथुन, प्लीज लेट मी नो। यहाँ तक क्लियर है? ओके तो आपने कभी सबमिट किया है मित्र ये सारे लिंक्स को अपनी वेबसाइट के लिए? ओके तो कौन सी साइट पे किया है मित्र आपने? ओके फाइन, तो ठीक है, इसी तरह से आप सबमिट करते रहिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि एक सफिशियंट लिंक ही हमें सबमिट करना है, सफिशियंट से ज्यादा लिंक कभी भी मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी जो एसईओ होगी वो ओवर ऑप्टिमाइज हो जाएगी, और ओवर ऑप्टिमाइज हो जाने के बाद पेनल्टी देनी पड़ेगी, दैट मीन्स की गूगल आपके रैंकिंग को डाउन कर देगा, ठीक है, इस बात का बिल्कुल भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल सबमिशन आता है, सेम मैंने दिखाया, आर्टिकल सबमिशन के लिए भी सेम वहां पे लिंक होती है। बेसिकली जब आप कोई नया पोस्ट या नया कुछ लिखते हैं तो आप उसके लिए सबमिट करते हैं अपने आर्टिकल को, ताकि आपको एक बैक लिंक मिले, ठीक है। एन आर्टिकल इज यूज फॉर लिंक बिल्डिंग टू जनरेट लिंक यूज एज वेल एज पुश द रैंकिंग ऑन इन सर्च इंजन्स, एंड वी राइट दी आर्टिकल्स ऑन वेरियस आर्टिकल सबमिशन साइट्स टू गेट फॉर गेटिंग लिंक व्यूज। बेसिकली आप डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स को टाइप कर लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से रिलेटेड, एंड डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरीज एंड कैटेगरीज में जाके हम लोग उसको पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आर्टिकल सबमिशन बेसिकली आपके क्या होता है कि ब्रॉडर बन जाता है, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आप जाके आर्टिकल्स को लिख सकते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे प्लेस करते हैं। इससे क्या होती है कि आपकी जो स्केलेबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है, मतलब बढ़ जाती है, और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जब आप भेजेंगे तो एसईओ की भी आपकी सर्चिंग बढ़ना स्टार्ट होगी, मतलब ट्रैफिक आनी ज्यादा स्टार्ट होगी। फिर अगेन सोशल बुक मार्किंग है, बेसिकली सोशल बुक मार्किंग का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं वैसे बुक मार्क वेबसाइट ऑन सोशल मीडिया इज नोन एज सोशल बुक मार्किंग, वी नीड सोशल बुक मार्किंग टू इंक्रीज बैकलिंक्स, मोस्टली वी गेट नो फॉलो बैकलिंक्स, इट इज फास्टेस्ट वे टू इंक्रीज बैकलिंक्स ऑफ द वेबसाइट, एंड बुक मार्क इज यूआरएल फॉर्म रिक्रूटर, एंड आप देख सकते हैं स्टोर फॉर लैटरल ट्रैवलिंग। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, सोशल बुक मार्किंग जब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे तो अगर मैं किसी वेबसाइट पे यहाँ पे गया और मान लीजिए मैं इसी लिस्ट सबमिशन की डायरेक्टरी पे गया
और मुझे ये सबसे पहला वाला वेबसाइट अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे कि यहाँ पे बुकमार्क बना के इसको अपने ब्राउजर में सेव कर लिए, डन कर लिए, ताकि अगर हम लोग बाद में इसको देखना चाहे तो यहाँ पे हम लोग जाके क्लिक करेंगे अपने बुकमार्क्स के नीचे में यहाँ पे, और इस वेबसाइट पे दोबारा से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक क्रोम का बुक मार्किंग हुआ या फिर किसी ब्राउजर का बुक मार्किंग हुआ। लेकिन सोशल बुक मार्किंग क्या होती है, जैसे कि देखिए ये सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, फेसबुक। इसमें क्या होती है कि जैसे अगर हम लोग कुछ सर्च करते हैं, अगर आप किसी को कुछ सर्च कीजिएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने डेली मोटिवेशन मोटिवेशन बाय विवेक बिंद्रा इस तरह से मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे या फिर कोई पोस्ट वगैरह आप देखेंगे या कुछ पोस्ट होगा यहाँ पे, मोटिवेशनल कोट्स ही मैंने यहाँ पे पोस्ट किया, और यहाँ पे मैं पोस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ पोस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए सेवन मोटिवेशनल कोट्स एंड ऑल। तो बेसिकली क्या एक तरह से ये बुक मार्किंग का काम कर रही है यहाँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, जो कि जब कोई यूजर इस तरह से सर्च करेगा तो उसे ये वाला कोटेशन दिखेगा, बिकॉज ये इन्होंने पोस्ट किया हुआ यहाँ फेसबुक पे। और जब इस पे क्लिक करता है, जब उसको इस पे जब यूजर को इंटरेस्ट होगा, मतलब जब इसे अच्छा लगेगा ये पोस्ट, देन वो क्या करेंगे, सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे और इनकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होंगे। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे इसके वेबसाइट पे आया, फिलहाल तो ये ओपन नहीं हो रही, अलग बात है, लेकिन इस तरह से हमें एक लिंक मिलती है ताकि हम उस पर बाद में भी जा सके। तो बेसिकली सोशल बुक मार्किंग भी वही चीज होती है कि आप दोबारा से उस पर जो विजिटर होते हैं, मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे एक बार आए और उन्हें बाद में उसको जाना पड़े, तो वो क्या करेंगे कि फिर दोबारा उस पर क्लिक करेंगे, दोबारा से आ जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग सोशल बुक मार्किंग के लिए कुछ सोशल बुक मार्किंग की साइट्स होती है, वहां पे जाके हम सबमिट करते हैं, ठीक है, अपने लिंक्स को, एंड वो वहां पे क्या होती है, वो पोस्ट हो जाती है। एंड जब भी कोई वहां पे कुछ उस हमारी साइट से रिलेटेड या कुछ भी हमारे कीवर्ड्स या सर्चेस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड सर्च करता है, देन हमारी पोस्ट उसको विजिबल होती है वहां पे, वो एक्चुअली बुक मार्क हो जाता है उस पर्टिकुलर सोशल बुक मार्किंग साइट्स पे, एंड उससे वहां से ट्रैफिक जनरेट होती है। इसके लिए बेस्ट है डिलीशियस, डिगो, हाई फाइव, tumblr.com एंड ऑल। बेसिकली टम्बलर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, मैं टम्बलर का आपको एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे हम लोग टम्बलर पे सबमिट करेंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे टम्बलर ओपन कर लेना होगा, ठीक है, अगर आपने साइन अप नहीं किया तो साइन अप करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम यूजर, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो आप यहाँ पे इजिली साइन इन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे साइन इन करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं गेट स्टार्टेड और लॉग इन। मैंने बताया था गाइस कि आपको यहाँ पे उन्हीं मेल आईडी का यूज करना है जो आप जिससे एसईओ कर रहे हैं, ठीक है, एक बार आप उस आईडी को ही सब जगह यूज कीजिएगा, वो ज्यादा बेटर होगा। ये आपसे पूछेगा आप कितने एज है आपकी, आप यहाँ पे डाल दीजिए जो भी आप डालना चाहते हैं। एंड आई एम नॉट अ रोबोट करके ऑलमोस्ट डन कर लीजिए। एंड फाइनली आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे कुछ मेन्यूज होगा, ये लोड हो जाने दीजिए इस प्रॉपरली साइट को। आप कुछ भी यहाँ से चूज कीजिए। एंड फाइनली आपके सामने इस तरह से स्क्रीन खुल के आएगा, ठीक है। अब देखिए मित्र, यहाँ पे क्या करना है हमें, बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट है, फोटो है, कोटेशन है, कोट का लगा सकते हैं इस तरह से, लिंक सबमिट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो सब अवेलेबल है। तो टम्बलर बहुत अच्छी प्लेस है जहां से आपको अच्छी हाई क्वालिटी की बैकलिंक मिलती है। आप यहाँ पे जैसे टेक्स्ट हम लोग सोशल फेसबुक पर टेक्स्ट को पोस्ट करते हैं, सिंपली आप यहाँ पे भी इसको पोस्ट कर सकते हैं टम्बलर पे। कोई फोटो शेयर करना चाहे आप यहाँ पे भी फोटो शेयर कर सकते हैं, आपको अच्छी यहाँ से बैकअप मतलब मिलेगी आपको
ऑफ ट्रैफिक मिलेगी अगर आप इस तरह से सबमिट करेंगे तो। टेक्स्ट कभी आप सबमिट कीजिए तो इसके नीचे लिंक जरूर लगा दीजिए, मतलब एक्स वाई जेड आपने कुछ भी टाइप कर दिया है, नीचे आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक लगा दीजिए इस तरह से करके। इससे भी आपको यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगी, ठीक है। जस्ट आप पोस्ट कर देना है आपको यहाँ पे, तो ये पोस्ट जब आप करेंगे तो ये पब्लिक पोस्ट होगा। फिर उसी तरह से सेम फोटो पोस्टिंग है, आप यहाँ पे चाहे तो फोटो को पोस्ट कर सकते हैं जैसा हम लोग फेसबुक पे करते हैं, सेम चीज है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो नया है उसकी बात करते हैं, ठीक है। ऑडियो वीडियो दोनों सेम चीज है, मतलब सेम टाइप का पोस्टिंग ही वाला फीचर है, आप पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जो अगर आपके पास ऑडियो है कोई वीडियो है तो यूट्यूब के लिंक डाल के भी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। फाइनली देखिए लिंक सबमिशन पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट का लिंक होगा या जो भी पेज का आप लिंक सबमिट करना चाह रहे हैं, आप सिंपली यहाँ पे उसको कॉपी कीजिए अपना यूआरएल एंड यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं आप, डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए यहाँ पे। जैसे देखिए लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने इस पर्टिकुलर पेज को टारगेट किया और यहाँ पे मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ। आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर दीजिए जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, या फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया एट अफोर्डेबल प्राइस, इस तरह से करके आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। तो इस तरह से आप कुछ अट्रैक्टिव यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल दीजिए एंड देन आप यहाँ पे पोस्ट कीजिए। किसी को आप लिंक करना चाहते हैं तो लिंक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लिंक बिल्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम ये भी कर सकते हैं जैसे ट्रेडिंग कोर्स इन इंडिया, तो यहाँ पे भी हम लोग लिंक लगा सकते हैं इस तरह से करके। एंड मेरी जो वेबसाइट का ये लिंक है इसको भी हम लोग यहाँ से, या पर्टिकुलर पेज को आप टारगेट करना चाहते हैं, जैसे मैं होम पेज को यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, सिंपली कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है और डन कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्या हो गया कि हाईलाइट हो गया। जब कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा तो यहाँ से भी हमें ट्रैफिक मिलेगी, जनरेट होगी। तो ये फेसबुक से फार बेटर है यहाँ पे लिंक सबमिट करना आपको, ठीक है। एंड जब आप इसे पोस्ट करेंगे तो ये टम्बलर की साइट पे मेरा ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगा। और जैसे कि जैसा मैंने बताया फेसबुक पे जो पोस्ट हम लोगों ने पहले से कर रखे होते हैं उसको कभी बाद में ढूंढिए तो आप इजिली मिल जाता है। तो उसी तरह से कोई यूजर अगर एक पर्टिकुलर कीवर्ड या पर्टिकुलर चीज डाल के सर्च करेगा, या फिर हमारे पोस्ट को जो भी पब्लिक देखेगी अगर उसे रेलेवेंट लगता है देन हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक गेन होगा। तो इसको हम लोग सोशल बुक मार्किंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ का जो सोशल बुक मार्किंग होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये ब्राउजर का जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये कंफ्यूज कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्लियर है मिथुल, प्लीज लेट मी नो एंड अगेन हमें सिंपली यहाँ पोस्ट कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप चाहे तब आपका ये पोस्ट होगा, यहाँ पे कोई टैग लगाना चाहे टैग भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लगा दिया, तो इस तरह से आप भी डिफरेंट डिफरेंट टैग लगा के पोस्ट कर दीजिए। तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, ये सीरियसली लीजिएगा, ये काफी इफेक्टिव मेथड है, आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ से। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, आई होप कि ये क्लियर होगा। सेम अगेन उसी तरह से स्कूप डॉट इन है, टेक्नोरती है, हम स्टम्बल अपॉन, हाई फाई, माई स्पेस, डिलीशियस, डिगो, डिग एंड रेडिट, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे सब में आप सबमिट करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन ये तब कीजिएगा जब आपकी ऑन पेज अच्छे से हो गई हो और जब आप ट्रैफिक गेन करना चाहते हो तब। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी भी वेबसाइट जब आप बनाएंगे तो ओवर कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि वेबसाइट बनाने के बाद पूरा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं उसे और अच्छे कंटेंट लिखने में, क्योंकि एक आप परफेक्शन कभी भी नहीं ला सकते, किसी भी चीज की कोई परफेक्शन नहीं होती है। आप ये चीज मान भी चलिएगा, आप कोई भी इंसान 100% परफेक्शन नहीं दे सकता है। हाँ अपना बेस्ट जरूर दे सकता है, लेकिन आप चाहेंगे कि वो परफेक्ट हो जाए एकदम, तो आपको एक तो बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और हर चीज में परफेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए भी मैं बोलूंगा कि वेबसाइट या एसईओ जब आप करने जाए तो एकदम परफेक्शन की बात मत कीजिएगा यहाँ पे। अगर बहुत ज्यादा अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया देन आपकी वेबसाइट पेनालाइज होने की भी चांसेस हो जाती है और अपने टाइम को भी वेस्ट करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। आप सिंपली उतने ही कंटेंट लिखिए जितने रेलेवेंट हो, जितनी आपको सफिशियंट लगती हो। सफिशियंट से ज्यादा कभी भी कुछ नहीं करना है यहाँ एसईओ के वर्ल्ड में, ठीक है।
फिर अगेन सर्च इंजन सबमिशन है। सर्च इंजन सबमिशन बेसिकली आप डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन के प्लेटफॉर्म पे आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कराते हैं, ताकि क्विकली किसी भी सर्च इंजन पे जब आपकी वेबसाइट को डाला जाए, आपके नेम से सर्च किया जाए तो वो विजिबल हो। तो इसके लिए काफी अच्छे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ताकि वो क्विकली मिल जाए, ठीक है। एंड इट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर वेब प्रमोशन, ठीक है। और इसके लिए जो हमारी साइट है बहुत अच्छी साइट है, जिसका नेम है फ्री सबमिशन, फ्री वेब सबमिशन डॉट कॉम। यहाँ पे क्या है कि आप एक ही बार में, मतलब एट अ टाइम, आप डिफरेंट डिफरेंट साइट्स में, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 50 साइट्स का लिस्ट दिया गया है। गूगल से स्टार्ट होता है और आपका साइट वेब डायरेक्टरी पे जाके खत्म होता है ये। और इसकी देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सारा, जितने विजिटर्स, मतलब जितने इसकी रैंकिंग है, आई थिंक, आई मीन जितने सीरियल ऑर्डर में जितनी इसकी पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल है, बिंग है, यांडेक्स है, जितनी भी पॉपुलर सर्च इंजन्स है हमारे पास, ये सारा यहाँ 50 तरह के लिस्ट बना हुआ है। ये 50 के लिस्ट में एक ही बार ये सबमिट होता है, तो ये बहुत क्विक मेथड है और इफेक्टिव मेथड है सर्च इंजन सबमिशन का। हम लोग एक ही बार में सबमिट करते हैं यहाँ पे। बेसिकली आपको वेबसाइट का नेम डालना है, वेबसाइट का यूआरएल डालना है, वेबसाइट का नेम, सॉरी, यहाँ पे आपका नेम जाएगा एंड यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस जाएगा। एंड आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आप चूज कर लीजिए कि कौन कौन से सर्च इंजन में डालना चाहते हैं। आप सभी को कर लीजिए एंड सबमिट योर साइट कर दीजिए। ये क्विकली सबमिट हो जाएगा और आपको एक मेल पे कंफर्मेशन भी आ जाएगा जब ये अप्रूव हो जाएगा तो, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे क्विकली करके सभी साइट्स पे आप कर सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड है सर्च इंजन पे सबमिशन कराने का, डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन के प्लेटफॉर्म पे। इज इट क्लियर मिथुल? प्लीज लेट मी नो। ओके फाइन। जिसको कि हम लोग इसको मास सबमिशन भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं इट इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज मास सबमिशन प्रोसेस। मतलब एट अ टाइम आप डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन पे आप सबमिशन कराते हैं। फिर बेसिकली हमारे पास फॉरम पोस्टिंग का ऑप्शन आता है। बेसिकली फॉरम पोस्टिंग वो प्लेटफॉर्म होती है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट या फिर ग्रुप के पीपल होते हैं और उस पर्टिकुलर ग्रुप में हम लोग पोस्ट करते हैं। जैसे आपने सोशल मीडिया के ग्रुप्स देखे होंगे, वहां पे हम लोग भी पोस्ट करते हैं। इसके साथ साथ और बेस्ट प्लेटफॉर्म बताया जाए तो कोरा.com है, फिर आपका forum.submitexpress.com है। ये सब जहाँ पे बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपने लिंक्स को सबमिट करते हैं और क्वेश्चन आंसर भी करते हैं कोरा वगैरह पे। कोरा पे क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर पे सबमिशन होती है, तो कोरा.com बहुत अच्छा है जहाँ पे आप क्वेश्चन अराइज करते हैं या क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं। और अगर उस अगर जो यूजर होती है, जो ट्रैफिक होती है, जो आपके पोस्ट को या जो आपके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं उन्हें पसंद आता है, देन वो आपके लिंक पे क्लिक करके वो आपके वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं। आपको वहां से भी बैक लिंक मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कोरा का, बेसिकली फॉरम सबमिशन का। और फेसबुक पे भी आप देखते होंगे ये फॉरम सबमिशन होते हैं। आप सब लोगों ने अपना अपना फॉरम क्रिएट करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे कि देख सकते हैं आप, एक मैं दिखाता हूँ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए पर्टिकुलर चीजों के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप सेंटर ऑफ इंडिया, फिर जॉब्स इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। दैट मीन्स कि ये जॉब्स एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का मतलब ये देखिए, यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे जो पोस्टिंग होगा रिलेटेड टू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के जॉब से रिलेटेड पोस्टिंग होगी। यहाँ पे देखिए SSC CGL, तो बेसिकली यहाँ पे जो पोस्टिंग होगी वो बेसिकली SSC से रिलेटेड, कॉम्पिटिशन लेवल एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट होगी, वो भी SSC का सिर्फ। यहाँ पे स्टार्टअप हायरिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग को स्टार्टअप है उनको हायरिंग, मतलब जो लोग हायर करना चाहते हैं एम्प्लॉयज को, उससे रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट करेंगे। और ये देख सकते हैं मेंबर्स यहाँ पे कितने, 41,900 एंड समथिंग मेंबर्स है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि उतने में से अगर जितने लोग भी यहाँ पे एक्टिव है, एटलीस्ट 4,000 भी एक्टिव होंगे, आपके पोस्ट को देखे होंगे या देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे, देन उसके नॉलेज में, उसके माइंड में जाएगा। इस तरह से आपको रेगुलर फॉरम सबमिशन करते रहने टाइम टू टाइम, ठीक है। ये फेसबुक भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इससे अच्छा प्लेटफॉर्म है कोरा.com। यहाँ पे क्या होती है कि डेली ये अपडेट्स होता है, यहाँ पे हर एक दिन नए नए आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं, नए नए क्वेश्चन आंसर्स होते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये 2 आवर्स अगो है, फिर यहाँ पे देखिए 9 आवर्स अगो, यहाँ पे डेली नए नए होते हैं। आप देखिए फिर 27 अप्रैल का है ये सारा, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपडेट्स देखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन आंसर डालना चाहे, पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। मेरा भी देखिए कोरा.com पे प्रोफाइल बना हुआ है, अकाउंट बना हुआ है, हम लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर करना चाहे किसी क्वेश्चन का, आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत इजिली आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखिए होता क्या है, देखिए इन्होंने क्या टाइप किया, वेज स्टाइल ऑफ योगा इज बेस्ट फॉर योर बेस्ट फॉर योगा बिगनर्स, इन्होंने क्वेश्चन टाइप किया है। और इन्होंने देखिए यहाँ पे अपना लिंक लगा रखा है नो मोर एट
यूपीए योगा बेसिक योगा क्लासेस एंड प्रोग्राम्स ईशा। ये देखिए बेसिकली क्या एक लिंक लगाया है, बैक लिंक, जब कोई इस यूजर जब इसकी क्वेश्चन आंसर्स पे जब इंटरेस्टेड होगा पढ़ के, किसी को मतलब चाहिए होगा कि इनकी वेबसाइट पे विजिट करके और डिटेल ले, सिंपली वो इस पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं मुझे इनको एक बैक लिंक मिल रहा है और डायरेक्ट इस वेबसाइट पे ये रिडायरेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट ओपन हो जा रही है। आप देख सकते हैं तो इज दिस क्लियर। आप यहाँ पे वीडियो भी सबमिट कर सकते हैं, लिंक भी सबमिट कर सकते हैं, ऑडियो भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब का अगर वीडियो का लिंक लगाएंगे तो यहाँ से भी आपको व्यूज बढ़ेंगे। तो मित्र आप पूछ भी रहे थे कैसे व्यूज यूट्यूब के इंक्रीज किया जाए एंड ऑल, या सब्सक्राइबर बेस को, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे सबमिट करके आप व्यूज को बढ़ा सकते हैं, लिंक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बैक लिंक्स दे सकते हैं, आपके यूट्यूब के भी व्यूज बढ़ जाएंगे। जब आप एट अ टाइम मतलब धीरे धीरे जब आप चारों तरफ से मार्केट को कवर करना स्टार्ट करेंगे तब वो आपकी रियल मार्केटिंग होगी, मतलब आप बड़े स्केल पे मार्केट करना स्टार्ट करेंगे। और जब चारों तरफ से आप मार्केट को टारगेट करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी काफी अच्छी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, लाइक्स बढ़ेगा, फॉलोअर्स बढ़ेगा, आपके फैन फॉलोअर्स इंक्रीज करेंगे बहुत जल्दी जल्दी। इसके साथ साथ यूट्यूब पे लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, शेयर्स होंगे, इसके साथ साथ व्यूज बढ़ेगा। आपका चारों तरफ से मार्केट को टारगेट करना है, जिसमें कि ऑडियो वीडियो इंफोग्राफ्स टेक्स्ट सभी तरफ से आप करेंगे, ईमेल मार्केटिंग का भी यूज करेंगे आप, सोशल एसईओ साइट एसईओ करने का भी आप यूज करेंगे, चारों तरफ से मार्केट को टारगेट करना है। ठीक है, जहां जहां से आप कर सकते हैं जो भी एसईओ के या फिर डिजिटल मार्केटिंग के जो टेक्निक से एसईओ एसएमएम पीपीसी सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ऑल, जितना चीजें चारों तरफ से आप कवर कीजिए एंड आपको रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। एंड गूगल एनालिटिक्स हमेशा आपको वॉच करना है और इससे आपको पता चलेगा कि कितनी आपके रिस्पॉन्सेज आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली आप जब लिंक को सबमिट करेंगे तो फ्री लिंक्स को जब आप सबमिट करते हैं फ्री सबमिशन साइट्स पे, तो बेसिकली वो 2 से 3 महीने का टाइम लेता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप उसको रेगुलर 1-2 महीने के अंदर अंदर में आप देखते रहे और आपको रिपोर्ट मिलता रहेगा आपकी साइट का। फिर ब्लॉग कमेंटिंग साइट से आप डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स पे जाके वहां पे भी कमेंट कर सकते हो और एक बैकलिंक उसको जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली जो लोग और जिसकी ब्लॉग साइट अच्छे से इम्प्रूव हो चुकी, मतलब जो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश है, वहां पे आप सिर्फ कमेंट कीजिए अपना लिंक वगैरह, तो वहां से आपको क्वालिटी बैकलिंक मिलेगी। आपको चूज भी करना है वैसे ही ब्लॉग वेबसाइट्स को जहाँ पे आपके रेलेवेंट नीच से रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश है या नीच का जो ब्लॉग है। फॉर एग्जाम्पल देखिए शाउट मी लाउड जो एक हर्ष अग्रवाल का ब्लॉग है, ये डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे भी देखिए ब्लॉग फॉरम इनकम ब्लॉग फॉरम्स वगैरह है, यहाँ पे भी आप सबमिट कर सकते हैं अपने लिंक्स वगैरह को। ठीक है, और एक लिंक सबमिशन का भी इनके वेबसाइट पे मैंने देखा था, आप यहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं, तो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से एक्सचेंज भी आप कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं इतने लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह अराइज किया है, पूछा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सभी का क्वेश्चन आंसर्स है, ब्लॉगिंग क्वेश्चन, एडसेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको साइन अप करना पड़ेगा एंड अगेन आप यहाँ पे चीजों को कर पाएंगे। इसके लिए पहले आप साइन अप कर लेंगे एंड देन तभी आप यहाँ पे पोस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये शाउट मी लाउड काफी फेमस और पॉपुलर हो चुका है आज के डेट में और यहाँ से भी आपको काफी अच्छी ट्रैफिक और क्वालिटी बैकलिंक मिलेगी। सोशल नेटवर्किंग बेसिकली आप डिफरेंट डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर जाके अपने पोस्ट को, जैसे कि आपका जो भी इंफोग्राफ्स वीडियो टेक्स्ट ऑडियो जो भी है, आप उसको शेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पे, सभी जगह से करेंगे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे कि आपका वो पोस्ट को शेयर करते रहे ताकि आपकी क्वालिटी बैकलिंक इंक्रीज करे। और एक बहुत अच्छी टूल है,
मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं एक बार चेक करता हूँ। बहुत अच्छी टूल थी वो, ये हूट शूट बता रहा। हाँ, हूट शूट एक बहुत अच्छी टूल है जहां पे आप मल्टीपल साइट्स, मल्टीपल सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एट अ टाइम आप मैनेज करते हैं। मैंने बिगिनिंग में आई थिंक बताया होगा हूट शूट के बारे में, या फिर सोशल मीडिया के क्लास में। आप 30 डे का ट्रायल लेके स्टार्ट कर सकते हो, और मिनिमम तीन अकाउंट को यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हो, और एट अ टाइम तीन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप पोस्ट कर सकते हैं। इस इमेज, इस टेक्स्ट के इमेज के पीछे देखिए, ये पीछे बना हुआ है डैशबोर्ड इसका, हूट शूट का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्विटर का ट्वीट है, यहाँ पे इंस्टाग्राम का पोस्ट है, यहाँ पे यूट्यूब का ओपन है विंडो, एंड यहाँ पे फेसबुक का टाइमलाइन ओपन है। तो ये चारों जगह आप एट अ टाइम पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम आप तीन अकाउंट एक बार में क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं आप, जब आप 30 डे का ट्रायल यूज करेंगे तो। और अगर आप जब प्लान्स पे जाएंगे पेड वर्जन में, तो आप देन मल्टीपल अकाउंट, मतलब तीन से ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं एट अ टाइम, और एट अ टाइम आप सभी जगह इमिडिएटली पोस्ट कर सकते हैं। तो जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं वो एट अ टाइम ही पोस्ट करते हैं, ताकि एक ही बार में सभी चैनल्स पे पोस्ट हो जाए, और वह भी एक रेगुलर टाइम पीरियड पे, मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। जैसे मैंने टाइम पीरियड बताया था सुबह का, शाम का, दोपहर का, तो कोई एक दो बेस्ट टाइम चूज कर लिया उन्होंने, और वीक में 3 डेज या अल्टरनेट करके वो लोग पोस्ट करते रहते हैं रेगुलर रोटेशन बना के, ठीक है। इससे आपको ट्रैफिक रेगुलर आती रहेगी, ये भी अच्छा लिंक बिल्डिंग का हमारे पास इफेक्टिव मेथड है। इज दिस क्लियर मितुल? ओके। और एक चीज देखिए, यहाँ पे पीडीएफ सबमिशन है। तो पीडीएफ सबमिशन में बेसिकली कुछ अच्छी साइट्स है, जैसे आपने देखा होगा slideshare.com एंड ऑल, ये slideshare.net। बेसिकली ये पीडीएफ सबमिशन, या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, या फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स है वो क्या करती है, कुछ अपना पीडीएफ वगैरह निकालती है फ्री में, और वो मार्केट करती है उस पीडीएफ से। लोग इंटरेस्टेड होते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां से भी आपको ट्रैफिक मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कुछ यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको रिलेटेड यहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। इस देखिए लिंक्डइन लर्निंग सॉल्यूशंस, अगर इसके देखिए कितने व्यूज आए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा गाइड दिया है, और यहाँ पे जो वेबसाइट है उसका नेम भी, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, सब चीज यहाँ पे मेंशन रहता है। इससे हमें ट्रैफिक भी मिलती है, अच्छी बैकलिंक बढ़ती है यहाँ से, आप देख सकते हैं। इस तरह से भी आपको सबमिट करेंगे, आपको क्वालिटी बैकलिंक मिलेगी यहाँ से। इस पे सबमिट करने का ऑप्शन बहुत सिंपल है, सिंपली आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद जो भी आपका पीडीएफ होगा, इमेज होगा, जो भी आपकी वीडियो होगी, जो भी आप डालना चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपने ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, जीमेल अकाउंट, या क्लाउड से जहां से भी अपलोड करके करना चाहते हैं, यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, एंड सिंपली ये स्लाइड शेयर पर शेयर कर दीजिए। बहुत इफेक्टिव मेथड है ये सब, इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, ये बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, 110% आपको रिजल्ट देगा। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, और पीडीएफ सबमिशन भी बहुत बहुत इफेक्टिव है। इमेज सबमिशन के लिए भी काफी सारी साइट्स है जहां पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सबमिशन करते हैं, आप सिंपली गूगल पे टाइप कीजिए। फ्री साइट्स की भी लिस्ट मिलेगी आपको, फ्री साइट्स में जाना चाहते हैं तो फ्री साइट्स में चले जाइए। बेसिकली पीडीएफ इमेज सबमिशन के लिए आपका सबसे अच्छा तो फेसबुक वगैरह सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जहाँ पे इमेज ऑटोमेटिकली सबमिट आप करेंगे ही करेंगे, शेयर करेंगे, वहां से भी आपको अच्छा, इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल। और बाकी सारे जैसे देखिए, यहाँ पे आईपरनेटी है, यहाँ पे भी आप साइन इन करके, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके साइन अप करके आप कर सकते हैं सबमिट को, ठीक है। आप जस्ट देखिए कि कहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे बेसिकली मुझे मिल नहीं रहा, मैं दूसरा साइट देखता हूँ। और यहाँ पे देखिए क्रिएट माई फोटो लॉग इन, यहाँ पे देखिए लिस्ट आ गया, यहाँ पे सबमिशन साइट्स जो भी आप सबमिट करना चाहते हैं, इन्फोग्राफ सबमिशन तो इन्फोग्राफ्स कीजिए, इमेज सबमिशन इमेज सबमिट कीजिए यहाँ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स है, मैं लिस्ट तो बहुत सारी है, लेकिन आपको ये देखना कि कौन सी साइट आपके लिए काम का है। इंस्टाग्राम मैंने बताया, पिनिंटरेस्ट बताया, ये सब बहुत इफेक्टिव मेथड है। फ्लिकर हो गया, टम्बलर हो गया, ये सब काफी पॉपुलर है, इन सभी जगह आपको करना पड़ेगा। तो एसईओ बहुत लॉन्ग टर्म है, टाइम टेकिंग है, कंज्यूमिंग है, आप पहले से इन चीजों का डिटेल वगैरह लिस्ट तैयार कर ले वर्ड फाइल में, एंड देन वन 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 बाय वन करके आप सबमिट करते चले। और इसके साथ साथ आपको एक एक्सेल सीट भी तैयार करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल,
के लिए मान लीजिए मैं एक एक्सेल यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। इस तरह से जैसे कीवर्ड रिसर्च का मैंने एक्सेल सीट तैयार किया था, तो इस तरह से आप भी एक एक्सेल सीट तैयार कर लीजिए। कौन कौन से साइट्स में आपने पब्लिश कर दिए अपने लिंक्स को, एक कॉलम में आप अपनी साइट्स का नेम डालिए, जिन भी साइट्स में आपने डायरेक्टरी सबमिशन के लिस्ट को सबमिट किया है वहां पे नाम डालिए वेबसाइट का, कितने डेट को किया आपने और फ्री किया पेड किया, आप वहां पे डिटेल लिखिए, ठीक है, किस डेट को किया और कितने लिंक्स किया सबमिट, यहाँ पे टाइप करके डाल दीजिए, ताकि आपको ये याद रहे कि आपने यहाँ यहाँ पे सबमिशन कर दिया और आपको दोबारा से करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इस तरह से पूरा एक्सेल सीट को आप मेंटेन करेंगे, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये आपको स्लो एंड स्टडी करना होगा पेशेंस के साथ। फिर सेम अगेन आपके पास प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज बेसिकली जब आप यहाँ पे देखिए, इट इज द सिंपलेस्ट टर्म टू अपडेट एनी न्यू पोस्ट ऑन योर वेबसाइट एंड सबमिट सबमिट न्यू अपडेटेड लिंक्स एट प्रेस रिलीज सबमिशन साइट्स टू फॉर एन अपडेट टू गूगल रोबोट टू गेट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। तो बेसिकली गूगल के जो क्रॉलर होते हैं, जो रोबोट होते हैं, उनको अपडेट करने के लिए हम लोग प्रेस रिलीज में सबमिट करते हैं अपनी नए नए पोस्ट वगैरह को, ताकि गूगल की जो क्रॉलर है उनको पता चले कि हमने ये नया नया पोस्ट पब्लिश किया हुआ है और हमें वहां से भी ट्रैफिक मिले फिर तो सजेशंस के थ्रू भी। तो बेसिकली क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे टाइप कीजिए प्रेस रिलीज सबमिशन साइट्स फ्री, आप यहाँ पे इस तरह से करके सबमिट करेंगे। आप देखिए पी आर इनसाइडर लिनक्स बहुत सारी साइट्स मिलेगी जिनकी पेज रैंक अच्छी अच्छी मिलेगी, आप सिंपली क्लिक कीजिए ओपन कीजिए। लिस्ट तो बहुत बड़ी है लेकिन आपको फाइंड आउट करना है जो आपके लिए इफेक्टिव है, वहीं पे आप सिर्फ सबमिट करें और अधिक सबमिट ना करें। तो मैंने बताया था सफिशियंट वे में सबमिट करने के लिए आप सीधा एक्सेल सीट मेंटेन कीजिए, एक्सेल सीट ओपन कीजिए, वहां पे बनाइए कि एक लिस्ट कि यहाँ कहाँ आपने सबमिट किया है एंड वहां वहां पे जाके सिर्फ सबमिट कीजिए और आपने लिख दीजिए कि यहाँ यहाँ पे आपने सबमिट कर दिया। इससे आपको याद भी रहेगा और कभी भी आपका सफिशियंट से अधिक सबमिट नहीं होगा इस केस में, अगर आप मैनेज करके सारे चीज का एक डायरी मेंटेन करके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबमिट स्टोरी है, ठीक है, इस तरह से क्लिक करना है, एक सबमिट पीआर भी आएगा आपको कहीं पे, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे कहाँ पे लिख रहा है। ये देख सकते हैं ये सारे पहले के पोस्ट सबमिट किया गया है, जो भी जितने भी साइट्स है, ये देखिए 19 अगस्त को सबमिट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट किया गया है जो कि टाइम पीरियड भी है 5:39 AM में, तो जितने भी पहले के लोग यहाँ पे सबमिट किए हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे, किसी को ये आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो यहाँ से भी उन्हें क्वालिटी बैकलिंक मिलेगी, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे कर सकते हैं सबमिट, फॉर्म भी यहाँ पे अवेलेबल है। सबमिट स्टोरी पे क्लिक करिएगा, ऐड अ न्यू आइटम लिस्ट, तो यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। बेसिकली जब आप रजिस्टर करेंगे तब आपको ऑप्शन मिलेगा, तो कहीं पे भी आप सबमिट करेंगे वहां पे अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, तो उसकी भी लिस्ट को आप तैयार करके रखिएगा अपने एक्सेल सीट में, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो इस तरह से काफी सारे साइट्स है गाइस, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट गूगल कीजिए और जो चीज और अच्छी चाहिए तो कुछ आपको लिस्ट ऐसे भी मिल जाएगी, आप मुझसे ले लीजिएगा क्लास के बाद, कुछ मैं आपको और भी मेल्स कर दूंगा ताकि आप इजीली सबमिट कर पाए। देखिए न्यू प्रेस रिलीज है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले से देखिए जो लोग सबमिट किए हुए सारा इनका अपडेट्स यहाँ पे दिख रहा है ये सारा चीज, एंड न्यू प्रेस रिलीज पे आपको क्लिक करना है। पहले साइन अप जरूर कर लीजिएगा यहाँ पे, ये बात का ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद ही आप यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि आईडी नहीं है अभी इस पे हमारी। प्रोसेस सेम है जो मैंने आपको बताया सभी जगह। तो ये सारे कुछ ऑफ पेज एसईओ के टेक्निक्स हैं जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया, तो इज दिस क्लियर मित्तल, प्लीज लेट मी नो, ये सारा क्लियर है? तो मित्तल सेज यस, ओके, तो बस आपको प्रैक्टिस करना है और मैक्सिमम क्वालिटी सबमिशंस, मतलब मैक्सिमम अच्छे सबमिशंस आप कीजिए यहाँ पे और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर कहीं पे कोई डाउट होती, किसी में आपको सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपको गाइड करता हूँ। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है एसईओ में या कोई कीवर्ड रैंक नहीं हो रहा या कुछ भी, तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और जो प्रोसेस है ये सारा, ये इसी प्रोसेस को हम लोगों को फॉलो करना है। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हमारे अब छोटे छोटे मॉड्यूल्स बच गए, उसको कवर अप करना होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो चीज है आपकी एसईओ की, वो यही सारी चीजें जो मैंने कवर किया, ये है बहुत डिटेल, ठीक है, ये तो मैंने बहुत ही आपको इजीली बता दिया ये सारा चीज लाइव करके। लेकिन जब आप एक एक साइट, एक एक लिंक जब आप सबमिट करने बैठेंगे तो ये बहुत टाइम लेगा, ठीक है। जो मैंने स्टेप्स बताया वर्ड फाइल में तैयार रखिएगा आप अपने सारे साइट्स का, अपने अपने साइट्स का डिटेल, जो भी मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन एंड ऑल, ठीक
इसके साथ साथ एक एक्सेल शीट या नोटपैड पे जरूर आप मेंटेन करते चलिएगा जहां जहां पर सबमिशन हो गया है। कभी भी आपको पैनिक नहीं होना है, आप बहुत पेशेंस रखते हुए धीरे 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 करके सबमिट करते चलिए, और एक टाइम 2 महीने 3 महीने के बाद आप खुद देखेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। गूगल एनालिटिक्स आपको वॉच करते रहना है, ठीक है। और गूगल एनालिटिक्स मैंने बताया कि कैसे सेटअप करते हैं, उसके एक्टिविटीज को वॉच एंड ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीजें होती है यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में। तो आज के क्लास को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ मितुल, एंड अगर कुछ पूछना है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो बताइए मुझे। एंड आपका काम कैसा चल रहा है मितुल, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीजों को, लेट मी नो। ओके फाइन, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, डैट इज ओके। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, आप करते रहिए, आप एक दिन जरूर आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग तो बिल्कुल है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप एफोर्ट लगाएंगे थोड़ा थोड़ा भी करके, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा देखने को, दैट इज माई कमिटमेंट। तो चलिए मितुल, ठीक है, आज के क्लास को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, बिकॉज अभी कोई और प्रेजेंट नहीं है क्लास में, एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास जल्दी कंडक्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी अवेलेबल होंगे, एंड देन हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों को रिकॉर्डिंग ही चाहिए था, तो कभी कभी मैं चाहता हूँ कि लाइव आप लोग आते तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होता है, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट अच्छा भी होता है, और इंटरेक्टिव सेशंस भी बनता है, जिसमें कि एक दूसरे के थ्रू हम लोग कुछ कुछ सीखते भी हैं नए नए चीजों को क्वेश्चन आंसर करके। तो दैट इज वाई लाइव क्लासेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू रिकॉर्डिंग सेशंस एंड ऑल। तो डोंट वरी मित्र, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, और अगर आपको कोई रेफरेंस रिकॉर्डिंग भी चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं रेफरेंस रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, ठीक है। रेफरेंस रिकॉर्डिंग इन दिस सेंस, मतलब जैसे मैं कोई जो ट्रेनिंग क्लासेस आपको लिया हूँ उसकी अगर आपको गाइड चाहिए हो रिटन में या फिर वीडियो के थ्रू, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एक रिसोर्स दूंगा, मतलब जहां से आप बैकएंड में जाके मतलब आप उसको भी देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस पर्पस, होता है ना रेफरेंस स्टडी बुक्स एंड ऑल, तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर नीड पड़े तो आप मेल पे मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा, एंड रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल रहेगी, कभी भी रिकॉर्डिंग अगर रिमूव होती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है, एंड डोंट वरी फॉर दैट। ओके, चलिए हम लोग क्लास को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास, बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड गुड नाइट मितुल, एंड टेक केयर।